हेलो एवरीवन। चलो एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका। देखिए, ये सेकंड शिफ्ट है 22 तारीख की। इसके मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। ठीक है, पहला है 41। हरीश ने एक पुराना स्कूटर खरीदा इतने रुपए में, इसकी मरम्मत पे 800 रुपये खर्च कर दिए, तो मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया, जो खरीदा है वो कितना हो गया? 4700 प्लस 800, यानी कि ये हो गया अपने पास 5500 रुपये। उसे बेच कितने में दिया? उसको बोला सेलिंग प्राइस 5800 रुपये में। तो कितना रुपये प्रॉफिट? 300 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 5500 पे। ठीक है, तो काट दो 3/55 × 100। 100 से काटेंगे तो 5 20 और 5 11, यानी 60/11 आ गया। 60/11 का हिसाब से देखें, 11 6 66, 11 5 65, 11 5 55, सॉरी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो 42 देखते हैं। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में 4:5 है। मतलब क्या है? ये हो गए छात्र, यानी बॉयज एंड गर्ल्स लिख देते हैं। ये 4:5 है और फिर हो जाएगा ये 6:7। देखो दोनों केस में लड़कियों ने चेंज किया, लेकिन लड़कों में कोई चेंज नहीं हुआ ना, लड़के जितने थे उतने ही हैं, तो इनको सेम कर लेते हैं। इसको भी 12 कर लेते हैं, इसको भी 12, तो ये बन जाएगा अपना 4 3 12, 12:15। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12:14। मतलब पहले 12:15 था, 12:14 है, और कितना माइनस हुआ? 1। लेकिन एक्चुअली में क्या 100 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है? 100 छात्राएं स्कूल छोड़े चली गई। तो मतलब क्या है, जो लड़के 12 नहीं है वो कितने हैं? 1200 हैं। तो ये आंसर आपका 42 का। 43 देखो, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। मतलब क्या है, चौड़ाई अगर 100 है तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी 115। देखो 100 और 115 ने तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, काट लो 5 से, ये ऊपर 20 आ गया, 5 10, 5 3 15 23, 20 और 23 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 460। मतलब लंबाई चौड़ाई यही है ना, कितनी लंबाई 23 और चौड़ाई कितनी 20, तो उसमें पूछा क्या है? चौड़ाई यानी 20, ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बोला कि एक व्यक्ति कार्य करने 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, हम इस आदमी को मानते हैं ए, 15 दिन में काम करता है। इसका पिता, उसको मान लेते बी, वो कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। जबकि उसका बेटा यानी सी 25 दिन में करता है। तो इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो 300 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 20 गुना, ये 15 गुना। ठीक है, और ये कितना? 100 4 12, ये 12 गुना। ठीक है, तो तीनों मिलके काम कितने? तो काम 300, और उनकी क्षमता कितनी? 20 इसकी 15 इसकी 12 इसकी, तो 20 30 40 और 47, 47 इसको डिवाइड करेंगे तो 47, 6 तो आएगा नहीं, 6 ज्यादा आएगा, 50 सिक्का तो सीधा सीधा होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 दिन से 6.4, 6 से तो ज्यादा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, 6 से कम ये गलत हो गया, 7 दिन है नहीं। देखिए 7 से, अगर 7 होता तो 47, सॉरी 47 × 7, 49 4, 7 4 28 और 4 32, 7 नहीं है, 6.4, तो आंसर सही है। कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन में क्या ऐसे ही अंदाजा लगाना पड़ता है, अगर हमें लग जाए तो। चलो 14 627, और ये किसका होता है? जो 30 का स्केल कितना होता है? 900 होता है, और 40 का कितना होता है? 1200। तो ये जो है ना, या तो 33 का मिलेगा, 3 3 9 उसी में आता है, या 37 का मिलेगा, 37 49। अब नजदीक किसके है? तो 33 का मिलेगा, ये करके देख लो, चाहे ये 33 का है, तो क्या आएगा? 14 × 627 / 33 इजिकल टू x³ − +141। तो इससे कट दो, 11 से कट जाए, 11 3 33, 11 5 55, 7 बचा, 11 6 70, 77। 5 7 12, 3 से भी कट जाए, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 27, 19 × 14, 14 × 19 −141 इजिकल टू x³। चलो भाई, इसको गुणा करना है, फिर माइनस करना पड़ेगा। ओके, चलो मल्टीप्लाई 14 × 19, 9 4 36, 3 9 1 9 और 3 12, और 14 HDs, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 266। इसमें से 144 माइनस कर दो, तो दो ये एक ये, 122
बात बनी नहीं भाई। 3 9 3 12 चार 100 सॉरी 141 है ये, 141 तो 125 आ गया, 125 आ गया तो 125 आएगा तो क्या आएगा, 15 क्यूब है सॉरी क्यूब तो 5 आएगा, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब इजिकल टू 125 तो एक्स क्या आएगा 5, 5 5 25 25 पंजे 125। ये छोटी सी गलती होगी तो पेपर में कंफ्यूज कर देता है ये। चलो कोई नहीं, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। चलो अगला देखते हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या 4 अंकों की। देखो बड़ी संख्या 7 7 है, 7 4 3 0 ठीक है, छोटी संख्या क्या है 0 3 4 7। लेकिन देखो जैसे 0 आप आगे लगाएंगे तो 3 अंकों की संख्या होगी, 4 की नहीं रही, तो इसलिए क्या करते हैं 3047। ये रहा ये रहा, कंफ्यूज करने के लिए वो 0 दे सकता है लेकिन उसने नहीं दिया, ठीक है ना, अच्छी बात है वो। चलिए कोई नहीं, तीन कार की गति स्पीड क्या है 2:3:4 है। समय निकालना है, समय क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर है सबकी तो दूरी मान लेते हैं इनका एलसीएम 12, तो समय क्या होगा 12/2, दूरी बटे समय किया फिर दूरी बटे समय और फिर दूरी बटे समय, तो 6 4 और 3। ओके चलो, यदि कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो रही है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो दुगनी हो रही है मतलब क्या है, वो 100% हो रही है अपनी, ठीक है ना, 5 रुपए है उसके ऊपर 5 रुपए ब्याज, ठीक है, तो इसका क्या होता है दर गुणा समय, ये जो है 100 होना चाहिए डबल के लिए, अगर ट्रिपल होता तो 200 होता, क्योंकि क्या है मान लो अगर 10 रुपये आपके पास है तो ब्याज 10 रुपये ही आएगा, इसी को बोलते हैं डबल हो जाना, ठीक है ना, मतलब 100% ब्याज आ जाए पूरा पूरा। तो 100% कब आएगा, जब दर गुणा समय 100 होगा, टाइम 100 है 10 है तो दर भी कितनी होगी 10 होगी, तभी 10 गुना 10 100 होगा, ठीक। 50 संख्याओं का औसतन 38 है, इसको अगर आप देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नॉर्मल पता है साधारण ब्याज क्या होता है, ब्याज मूलधन दर समय बटे 100, अब जितना ब्याज उतना ही मूलधन, तो मूलधन नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, तो दर गुणा समय 100 हो गया, ठीक है, वहीं से मैंने निकाला है। ओके चलो 49वां देखते हैं, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्या 45 और 55 को हटा दिया जाए। देखो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है इसका, 50 संख्याओं का 38 है तो 50 गुना 38, ठीक है, अब माइनस क्या किया 45 कर दिया और 55 कर दिया, और ये कितनी संख्या रहेगी, ये रहेगी अपने पास 48, इस तरह आएगा, ठीक है ना, इस तरह कर सकते हैं सिंपल, या फिर क्या है जितनी भी संख्याएं हैं सबका औसत क्या 38 है, मतलब हर संख्या 38 के बराबर है, ठीक है ना, यानी कि इसमें से अगर 38 38 की दो संख्या निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने क्या किया 45 निकाल लिया और 55 निकाल लिया, यानी कि 100 नंबर निकाल लिए, लेकिन एवरेज में कितना निकलना चाहिए था 76 निकलना चाहिए था, तो कितना फालतू निकल गया 24, कितने में से 48 संख्याओं में से, तो इसको कितना 0.5 घट गया, तो 0.5 यानी 37.5 आ गया, ठीक है। चलो 6300 लगाया यार, उसने कुछ 1,08,000 रुपये लगाया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद बराबर लाभ मिला, मतलब तो क्या है 6300 रुपये 63,000 12 महीने के लिए लगे और 1,08,000 रुपये कुछ महीनों के लिए टी महीने में लगा लिया हमने लगे, तो बराबर है, तो टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू क्या आएगी 63,000 × 12/108,000, तो ये कट गया इधर से 12 98 963, टाइम कितना गया 7 महीने, बी ने 7 महीने बिजनेस में रहा है तो मतलब क्या 5 महीने बाद बिजनेस में आगा, तभी 7 महीने रहा ना, पहले 5 महीने तक ए अकेला रहा, फिर उससे आगे बी जो है 7 महीने तक रहा, तो 5 और 7 12 पूरे 1 साल बच रहे, तो आंसर क्या है 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता, इसका मतलब जो है एलसीएम जो है ना वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, ठीक है ना, तो देखो अगर 12 है तो डिवाइड हो रहा है, 24 डिवाइड हो रहा है 5 पे चला जाएगा, 8 8 एक 8 अपन 40 3 35 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या है 3।
चलो इसने क्या बोला, एक 28.8 के भाव की चीज है और एक 22.80 के भाव की है, 28.80 और 22.80 अनुपात में रहता है। मिश्रण का मूल्य अपने पास दिया 25.20, तो एलिगेशन लगा दो फटाफट। हाँ 25.20 और 38.80 में कितना फर्क है, ये 3.60 का, और 25.20 और 22.80 में कितना फर्क है, 80 23 80, ये है 2.40 का। रेशो निकालें, 12 2 24, 12 3 36, 2:3, 2:3 ये आंसर सही है। चलो भाई ये आ गया, बहुत ही आसान है, सबसे सिंपल। ए बी का 10% यानी 10% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ ए माइनस बी। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे तो 50/100 और इधर और पड़ जाएगा 2/10, 0 0, 5/1 आ गया। अब तो देखो इसका ए बाई बी हमें निकालना है, तो सिंपल सा कि इसका कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, सी एन डी। उसमें करते क्या है, ऊपर वाले में से नीचे वाला जोड़ दो और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, साइन चेंज कर दो। तो यहां भी होएगा, ऊपर वाले नीचे वाला जोड़ दो और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो। तो देखो इसमें बी से भी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया, तो ऊपर क्या 2a आ गया और नीचे 2b, और ऊपर 6 नीचे 4, 2 से 2 फिर खत्म, 2 3 6 2 2 4, 3:2। ठीक है भाई, चलो 54 आ गया भाई। ये स्टेटमेंट जो है ना हर पेपर में आई है, चारों शिफ्ट में आई है स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, 10% वार्षिक ब्याज और 6 माह में लग रहे हैं, ठीक है ना। तो दर कितनी होगी अपने पास, 6 माह के हिसाब से 5%, 5% मतलब 5/100 यानी कि 1/20, ठीक है। यानी 20 रुपये एक साल में 21 रुपये हो जाएंगे, 1 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अगर 2 साल की बात करूं तो क्या स्केल हो जाएगा, 400 रुपये, 441 रुपये हो जाएंगे, लेकिन बात तो नहीं बनी। तीसरे साल में क्या है, ये 8,000 हो जाएगा और ये 9,261 हो जाएगा, क्योंकि 21 का क्यूब 9,261 होता है, इसीलिए स्टेटमेंट दी है। यानी कि 3 6 माह में वो समझो है 9,261 हो जाएगा, मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने इस तरह, यानी कि 1.5 साल। ओके चलो लास्ट सवाल देखते हैं, 55th। आधार त्रिज्या कितना है, चलो बना लेते हैं डायग्राम दोनों का। ये क्या था, बेलन है और ये क्या है, शंकु है। इसकी हाइट कितनी, 5, और त्रिज्या कितनी, 3। इसकी हाइट कितनी, हाइट है 1 और त्रिज्या कितनी है, 1 mm है, तो 1/10 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसमें यही चीज देखने वाली थी। तो नंबर निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन बटे इसका आयतन, इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, यानी 3 × 3 × h, 5, और इसका आयतन 1/3 πr, यानी कि 1/10 × 1/10 × h, 1, पाई से पाई कट गया, और 3 10 10 ऊपर जाएंगे तो आंसर अपने पास आएगा 3 × 3 × 3 × 5 × 10 × 10, 3 3 9 9 27, 27 5 27 5 कितना होता है भाई, 5 3 35, 3 5 5 10 13, 135, और 2 0, ये 13,500 आ गया भाई। देखा ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो लाइक पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।